हाय एवरीवन, हमारी बेसिक कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मटर से नाश्ता। तो हरे मटर को मैंने छील लिया है इस तरह से, इसको अच्छे से धो लिया है। चाय के साथ ये स्नैक्स बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाला है, एक इंच तक हींग डाल देंगे, दो हरी मिर्च कटा हुआ डाल देंगे, जीरा क्रैकल हो गया है, और हम इसमें हरी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। हमें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालना है, ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी आता है। बस ध्यान रखना है आपको कि मटर मीठा वाला होना चाहिए, ये चाय से भी जल्दी पकता है। तो चलिए अब इसे ढक देंगे पकने के लिए। और मैंने ये थोड़ा सा हरी धनिया ले लिया है, ये चार कली लहसुन। हम इसे अच्छे से कूट लेंगे, और कूटने के बाद इसे डालेंगे इसमें। तो चलिए देख लेते हैं मटर को, 5 मिनट हो गया है, मटर पक गया है अच्छी तरह। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया मटर बन गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी देसी घी डाल देंगे, आधे चम्मच से भी कम। अरे धनिया और लहसुन मैंने कूट लिया है, इसको ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। धनिया और लहसुन इस स्टेज पर ही डालना है पकने के बाद, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है देसी घी के साथ। देखिए कितना बढ़िया मटर, टेस्टी सा मटर बनके तैयार है। इसे आप चाय के साथ ले सकते हैं, किसी भी टाइम बनाएं। चलिए हम इसे सर्व के लिए निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए मटर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कोई। चलिए हम इसे सर्व के लिए निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए मटर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।